हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं ये टेस्टी सा इडली और उसके साथ एक इंटरेस्टिंग सी चटनी बनाने वाली हूँ। तो ये है वर्मिसली इडली। तो इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी सेवियाँ और उसमें एक चौथाई कटोरी मैं डालने वाली हूँ रवा। तो एक कटोरी, जिस कटोरी से आप सेवियाँ लेंगे सेम उसी कटोरी से एक चौथाई चम्मच नाप के डालना है रवा। रवा की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप अगर इसको मेजर करके डालेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक चौथाई कप इसमें रवा डाला है मैंने और उसके बाद इसमें सेम उसी कटोरी का यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे आधी कटोरी अभी मैंने इसमें दही डाली है और उसके साथ जो पानी, उसका एक्स्ट्रा दही है उसमें पानी डाल के निकाल लेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे। अगर कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक रहती है तो थोड़ी सी दही और ऐड कर देंगे इसमें। तो लगभग इसमें एक कप से थोड़ा, मतलब एक कटोरी से थोड़ा कम दही का यूज़ किया है और थोड़ा सा गाजर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल दें। इससे एक बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें और टेस्ट भी बहुत मीठा मीठा सा अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें गाजर डाल दें और फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हींग डाल दें। हींग ज़रूर ऐड करें, इससे बहुत अच्छा, अच्छी सी एक खुशबू आती है इसके अंदर जिससे कि बहुत इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो हींग ज़रूर ऐड करना चाहिए। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और थिक कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे। उसके बाद इसके लिए ऊपर से एक तड़का लगाएंगे। उसमें मैंने लिया है सरसों, जीरा, ये मैंने मूंगफली ली है कुटी हुई कच्ची मूंगफली, एक चम्मच इसमें डाल दिया है उड़द दाल और आधा चम्मच चने की दाल और थोड़ा सा करी पत्ते। करी पत्ते को इस तरीके से तोड़ लेंगे और फिर इसमें घी डाल के एक तड़का तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको लाल, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है, नॉर्मल रखना है। जब गोल्डन हो जाए तो फिर ये गैस का फ्लेम बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर लिया है और इसको फिर एक बार चलाते हुए अच्छे तरीके से पका लेना है। अब ये रेडी हो गया है, इसको मैं इस बैटर में ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद इसको फिर से एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके की ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं। तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी रखना है और थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है। आप चाहें तो इनो या फिर बेकिंग पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग सोडा डालने से ये बिल्कुल ही जालीदार और एकदम इडली जैसे बन के तैयार होंगे। और फिर इसको 10 मिनट के लिए रख देना है सेट होने के लिए। इसके साथ मैं कोकोनट की चटनी बना रही हूँ। उसमें मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिया है मूंगफली, इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। मूंगफली के साथ साथ मैंने ऐड किया है यहाँ पे आधा चम्मच धनिया, साबुत धनिया है ये। उसके बाद आधा चम्मच लिया है मैंने उड़द दाल और आधा चम्मच लिया है मैंने चने की दाल और थोड़े से करी पत्ते। इनको ड्राई रोस्ट कर लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से ड्राई रोस्ट करना है और फिर उसके बाद इसको मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देना है। मिक्सर जार में इसके साथ जाएगा कोकोनट, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा पानी। बस इसको ब्लेंड कर लेना है और एक इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। इस तरीके का लिक्विड आप जितनी भी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी ऐड कीजिए। इडली के साथ खाना है इसलिए मैंने इसको थोड़ा गीला रखा है। उसके बाद यहाँ पे चटनी के तड़के में मैंने लिया है राई, उड़द दाल, चने की दाल और कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़े से करी पत्ते और इसमें घी डाल के एक तड़का रेडी कर लिया है। थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे और फिर इसको चटनी में इस तरीके से डाल देंगे और ये चटनी बन के रेडी है हमारी। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही इजी है। आप ये पूरा जो भी मैंने नाश्ता तैयार किया है ये हाफ़ एन आवर में सब कुछ बन के रेडी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। यहाँ पे बैटर भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम इडली का जो हमारा साँचा होता है उसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे तरीके से ऑयल से, और ग्रीस करने के बाद एक एक करके हम इसको बैटर को इसमें डाल देंगे। तब तक के लिए मैंने स्टीमर को प्री हीट होने के लिए रख दिया है। तो आप जब भी ये बनाएं उसके 10 मिनट पहले स्टीमर को प्री हीट होने के लिए गैस पर रख दें और प्री हीट स्टीमर में इसको डालना है, सेम जैसे हम इडली बनाते हैं नॉर्मल इडली उसकी तरह। तो मैंने यहाँ पे ये बैटर सारे सब भर दिए हैं इसमें और अब इसको
मैं प्री हीट जो हमारा स्टीमर है उसमें रखने जा रही हूँ। स्टीमर में इसको रखना है 15 मिनट के लिए, फुल फ्लेम पे आप रखेंगे तो ये रेडी हो जाएगा बनके। यहाँ पे देखिए स्टीमर प्री हीट हो चुका है, इसमें मैं इडली बनने के लिए डाल रही हूँ और फिर इसको ढक के छोड़ देना है 15 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे। बीच में आप एक बार चेक कीजिए, अगर 15 मिनट के बाद थोड़ा सा ऐसा लगता है, हम नाइफ़ डाल के चेक करेंगे, अगर उसमें बैटर लगा हुआ आता है तो थोड़ी देर के लिए और रहने देंगे इसको 5 मिनट के लिए, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, नाइफ़ एकदम ही साफ़ निकला है। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा होने के बाद इसको हम निकालेंगे। तो ये रेडी है, बिल्कुल स्पंजी वैसे ही इडली की तरह, और टेस्ट इडली से भी ज़्यादा अच्छा है, यकीन मानिए। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कॉमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे ये बताने के लिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और ये देखिए कितना स्पंजी बन के रेडी हुआ है, और बहुत एकदम ही जालीदार है इडली की तरह बिल्कुल, और बहुत ही टेस्टी है। इसमें वेजीज भी हैं और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी है, ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें, बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।